What's up, guys? This is me, Ravindrana. हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का नए वीडियो में, जिसमें आज हम बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं फ्लेक्सिबिलिटी कितना जरूरी है फ्लिपिंग के लिए। इसे हम एग्जांपल के साथ समझेंगे, विद फ्लेक्सिबिलिटी आपका फ्लिप कैसा होगा और विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी कैसा होगा। साथ ही साथ अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो इसके सॉल्यूशन भी आपको बताए जाएंगे। तो गाइस बने रहे वीडियो में, क्योंकि हम स्टार्ट करने वाले हैं पहले एग्जाम्पल से। So guys, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है आपके बैक हैंड स्प्रिंग और फ्रंट हैंड स्प्रिंग का। इन दोनों फ्लिप में सेम फ्लेक्सिबिलिटी यूज होती है, जो है आपके शोल्डर एंड बैक स्पाइन की। अब आइए देखते हैं, अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आपका बैक हैंड स्प्रिंग या फिर फ्रंट हैंड स्प्रिंग कैसा आएगा। सो गाइज, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होने पर इस तरह से आपके मूवमेंट आ सकते हैं। अब आइए देखते हैं, अगर आपके पास अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी है तो आपके बैक हैंड स्प्रिंग और फ्रंट हैंड स्प्रिंग कितने स्मूथ और क्लीन आते हैं। सो गाइज, आपने देखा दोनों फ्लिप में कितना फर्क है, आप खुद ही देख सकते हैं। क्योंकि गाइज, जब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है तो आप हाथों के जरिए ज्यादा फोर्स जनरेट कर सकते हो, जिससे आप बॉडी को स्पीड के साथ फ्लेक्स और ज्यादा बेंड कर सकते हो, जिससे आपका बैक हैंड स्प्रिंग या फिर फ्रंट हैंड स्प्रिंग बहुत स्मूथ और क्लीन हो जाता है और आपकी लैंडिंग भी बहुत ही सॉफ्ट आने लग जाती है। इवन आप इसे बिना जंप के भी कुछ इस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। वहीं अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है तो आपका सबसे पहले हैंड स्विंग मूवमेंट बहुत स्लो हो जाएगा, जिससे आपका आर्क अच्छे से फ्लेक्स नहीं हो पाएगा और आपके हाथ जमीन में बहुत लेट लगेंगे और आपका मूवमेंट बहुत ही स्लो हो जाएगा। दोस्तों, इन दोनों मूवमेंट में आपकी जो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी यूज होती है वो है आपके शोल्डर और बैक स्पाइन की। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है तो आप इन चार एक्सरसाइज के जरिए आपके शोल्डर और बैक की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। सो गाइस, बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ, जो है वेबस्टर। इसमें भी आइए सबसे पहले देखते हैं बिना फ्लेक्सिबिलिटी के आपका वेबस्टर कैसा आएगा। सो गाइस, आपने यहां पर देखा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी की कमी से वेबस्टर में आपका किक एक तो अच्छे से नहीं जाएगा और दूसरा जो आपका रोटेशन है वो स्लो हो जाएगा, जिससे आपकी बॉडी आगे की तरफ मूव हो जाएगी और आपकी लैंडिंग भी हो सकता है थोड़ा सा खराब आए। वहीं आइए अब देखते हैं क्लीन वेबस्टर किस तरह से आएगा। सो गाइज, आपने देखा एक स्मूथ और क्लीन वेबस्टर के लिए आपके लेग और बैक की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके आप लेग किक के जरिए ज्यादा फोर्स जनरेट कर सकते हैं। और ज्यादा जब फोर्स जनरेट होगा गाइज, तो आपकी बॉडी का जंप जो है वो एक्स्ट्रा होगा, जिससे आपको रोटेशन के लिए
बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा और आपकी वेबस्टर एक क्लीन और बहुत स्मूथ आएगी, आपकी लैंडिंग भी बहुत स्मूथ आ जाएगी। वहीं पर गाइज, अगर आपके लेग की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी ना होने पर आपका लेग किकिंग स्पीड से नहीं हो पाएगा और फुल रेंज ऑफ मोशन में स्विंग नहीं ले पाएगा, जिससे आपका रोटेशन बहुत स्लो हो जाएगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा रोटेशन के लिए और आपकी लैंडिंग भी बहुत खराब या फिर हार्ड आ सकती है। इसको इम्प्रूव करने के लिए, अगर आपके लेग की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ एक्सरसाइज जो मैं दिखा रहा हूँ उन्हें प्रैक्टिस करके बहुत जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो गाइस बढ़ते हैं थर्ड एग्जांपल की तरफ जो है कीप अप। तो सबसे पहले देखते हैं विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी आपका कीप अप किस तरह से आ सकता है। सो गाइज, ये था विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी आपका कीप अप। अब आइए देखते हैं विद फ्लेक्सिबिलिटी आपका कीप अप कितना स्मूथ और क्लीन होता है। सो गाइज, अगर आपके बैक और जो शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ नी की फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी है तो आपका सबसे पहले स्टार्टिंग होप स्मूथ होगा, जिससे आप फुल रेंज ऑफ मोशन में किकिंग कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा फोर्स जनरेट होगा और साथ ही साथ आपके शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप हाथ से पुश स्पीड से कर सकते हैं, जिससे आपको हवा में जो स्विंग है जो रोटेशन है उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा और आपका कीप अप बहुत स्मूथ हो जाएगा। वहीं अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है तो कीप अप के दौरान आपका सबसे पहले स्टार्टिंग होप और बॉडी बैलेंस खराब हो जाएगा। सेकंड, आपका जो पुश मोमेंट है हाथ से पुश आपको अच्छे से नहीं हो पाएगा। और थर्ड, सबसे जरूरी, किक के बाद आपका आर्क पोजीशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, इससे आपका कीप अप इस तरह से खराब और लैंडिंग भी बहुत खराब आ सकती है। अगर आपके बैक और शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताए से दोबारा बता रहा हूँ, इन एक्सरसाइजों को आप प्रैक्टिस करके आपके शोल्डर और बैक की जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने कीप अप को एक स्मूथ और क्लीन कर सकते हैं। सो गाइस बढ़ते हैं फोर्थ एग्जांपल की तरफ, जहां पर हम लेने वाले हैं एरियल को। इसमें भी आइए पहले देखते हैं विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी आपका एरियल किस तरह से आ सकता है। सो गाइस, ये था बैड एग्जांपल। नाउ अब देखते हैं क्लीन और स्मूथ एरियल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ किस तरह से आएगा। दोस्तों, अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आपके फ्लिप को स्मूथ और क्लीन तो बनाती ही है, साथ ही साथ सेम मूवमेंट को कम एफर्ट के साथ भी कंप्लीट करने में मदद करती है। जैसे आपने देखा, आपका जो किकिंग मूवमेंट है बहुत स्मूथ हो जाता है, जिससे आपका स्ट्रेच, जो लेग का स्ट्रेच है वो अच्छे से हो पाएगा और आपका जो एरियल है वो क्लीन और आपकी लैंडिंग भी स्मूथ आने लग जाएगी। वहीं गाइज, आपने देखा फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है तो आपको सेम मूवमेंट में बहुत ज़्यादा एफर्ट और स्ट्रेंथ लगाना पड़ता है, फिर भी आप वो स्मूथनेस हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप फ्लेक्सिबिलिटी वाले केस में कर रहे थे। तो गाइज, इतना ज़रूरी है फ्लेक्सिबिलिटी क
करना या फिर इसकी प्रैक्टिस करना। लेग की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप ये 3 एक्सरसाइज कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। सो गाइस बढ़ते हैं 5th और फाइनल एग्जाम्पल की तरफ, द मोस्ट क्लासिक बैकफ्लिप, जिसे बहुत सारे लोग बहुत सारे रीजन के कारण परफेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिनमें से एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो आइए दोस्तों, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, जो कमी के कारण आपका बैकफ्लिप कैसा हो सकता है वो देखते हैं। सो गाइज, ये था फ्लेक्सिबिलिटी के कारण खराब बैकफ्लिप। अब आइए देखते हैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होने पर आपका बैकफ्लिप किस लेवल में जाएगा। सो गाइज, बैकफ्लिप में सबसे ज्यादा जो रोल है वो है जंप के बाद टक पोजीशन का। आपके टक पोजीशन जितना अच्छा होगा, जितना आपका बॉडी क्लोज होगा, उतना क्लीन और स्मूथ आपका बैकफ्लिप आएगा और उतना ही हाइट आपका बैकफ्लिप जाएगा। और ये होगा सिर्फ और सिर्फ आपके फ्रंट और बैक की फ्लेक्सिबिलिटी से। जब आपके बैक और फ्रंट की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी तो आपका ऑटोमेटली जो टक पोजीशन होगा वो अच्छा होगा, आपकी बॉडी क्लोज होगी और आपका बैकफ्लिप क्लीन और स्मूथ आ जाएगा। वहीं अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है तो आपका सबसे पहले हैंड स्विंग मूवमेंट बहुत स्लो होगा, जिससे आप ऊपर नहीं उठ पाएंगे तो आपका टक पोजीशन अच्छे से नहीं हो पाएगा और रोटेशन स्लो हो जाएगा, जिससे आपकी लैंडिंग खराब हो जाएगी और उस तरह से आपके बैकफ्लिप की लैंडिंग आएगी। सो गाइज, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है फ्रंट और बैक की, तो इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू प्रैक्टिस करें। सो गाइज, मैंने ये सारे बेनिफिट जो है वो एग्जाम्पल के साथ आपको बता रखे हैं फ्लेक्सिबिलिटी के, कैसे आपका परफॉर्मेंस जीरो से टॉप लेवल में लेके जा सकती है सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी। और हाँ गाइज, फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज नहीं, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि गाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपके मसल स्ट्रांग होंगे, जिससे आपके स्ट्रेच करने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ेगी और आपका जो परफॉर्मेंस है वो जीरो से टॉप लेवल में जाएगा। तो गाइस जरूर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी ऐड करें फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज के साथ साथ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो आते आपको पता चल जाए। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय, फिनिश।